मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन थ्री टुडे टॉपिक शब्द एवं वाक्य। सबसे पहले आता है शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से प्लस ऊ प्लस रे प्लस ए प्लस जे प्लस ए, इनको मिला के क्या बन रहा है सूरज। ये वर्णों को मिलाकर क्या बन रहा है सूरज। उसी प्रकार जैसे ब प्लस ए प्लस गे प्लस ई प्लस चे प्लस आ प्लस, इनको मिलाकर क्या बन रहा है बगीचा। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे ये वर्णों समूह जुड़कर, मतलब वर्णों का समूह जुड़कर क्या बनता है शब्द, ये क्या कहलाता है शब्द। इन वर्णों का एक क्या होता है निश्चित अर्थ होता है। यदि हम सूरज को रजसु रजसु बोले या बगीचा को गीचा लिखेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि शब्द का क्या होता है निश्चित अर्थ। तो निश्चित अर्थ वाले ही सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज लिखा है उसको अपन क्या बोलेंगे जरसु, तो जरसु का कोई अर्थ निकल रहा क्या, नहीं निकल रहा। तो शब्द क्या कहलाता है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं शब्द। इनका मतलब शब्दों का भी, सार्थक शब्दों का भी अर्थ निकलना चाहिए। जैसे जैसे अब आता है वाक्य, शब्दों का वह समूह जो किसी के अर्थ को स्पष्ट करे वह वाक्य कहलाता है। जैसे शब्द होते हैं सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, वैसे ही शब्दों का समूह जो किसी अर्थ को स्पष्ट करे वही क्या कहलाता है वाक्य। जैसे सब्जी वाला एग्जाम्पल है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, सूरज रोशनी देता है, गिलास में पानी है। इस प्रकार हम सब्जी वाला, सूरज, गिलास या केवल बेच रहा है या रोशनी देता है पानी, इस प्रकार बोले शब्द लिखे तो यह शब्द समूह न कोई तो अर्थ दे रहा है न कोई भाव प्रकट कर रहा है। अपन ने लिख दिया सब्जी वाला, सूरज, गिलास एक साथ लिख दिया, और एक साथ लिख दिया बेच रहा है, रोशनी देता है, पानी है, इन शब्दों को एक साथ लिख दिया। तो इन लिखे हुए शब्दों से न तो शब्द समूह का कोई अर्थ दे रहा है न कोई भाव प्रकट कर रहा है, तो इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का वह समूह जो किसी अर्थ को स्पष्ट करे वह वाक्य कहलाता है। फिर आता है वाक्य अंग, वाक्य कितने अंग होते हैं। वाक्य दो अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। वाक्य कितने अंग होते हैं दो, कितने होते हैं उद्देश्य और विधेय। अब देखो सबसे पहले आता है वाक्य दो अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं, देखो उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा वह वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। मतलब वाक्य में जिसके विषय में, जैसे सब्जी, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, इसमें उद्देश्य क्या किसको कहा गया है, उद्देश्य किसको कहा गया है सब्जी वाले को। सब्जी कौन बेच रहा है सब्जी वाला, तो उद्देश्य कौन हुआ सब्जी वाला। जैसे सूरज रोशनी देता है, इसमें उद्देश्य क्या हुआ सूरज, उद्देश्य क्या हुआ सूरज, क्योंकि रोशनी कौन दे रहा है सूरज दे रहा है। गिलास में पानी है, तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ गिलास, किस में है पानी गिलास में। उसी प्रकार विधेय, देखो विधेय क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य का मतलब अपन कर्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, तो सब्जी वाला तो उद्देश्य हो गया और सब्जी बेच रहा है वो क्या हुआ विधेय। उसी प्रकार सूरज रोशनी देता है, तो सूरज तो उद्देश्य हो गया और रोशनी देता है वो क्या हो गया विधेय। उसी प्रकार गिलास में पानी है, तो गिलास क्या हुआ उद्देश्य और पानी है विधेय। इसको आपको फिर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।